नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि क्या मार्केट क्रैश होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ग्लोबल सीनियर्स बोल रहे हैं, ऐसे सारे के सारे कह रहे हैं। तो भैया देख लो, आपके सामने वो बात आ गई है। ऐसा कोई भी आपका, अगर जो लोग रेगुलर फंड वाले हैं, किसी भी आपके ब्रोकर ने, किसी भी आपके एडवाइजर ने, किसी ने भी आपको इतनी संजीदगी से अगर बताया हो तो आप लोग मेरे को बता दें। अभी मैं एक कहावत के साथ, चंद्र बरदाई एक पृथ्वीराज रासो है, उसमें चंद्र बरदाई एक कवि होते थे, उन्होंने लिखा था कि भैया मेरे पृथ्वीराज को, उनको शब्द वेदी बाण का ज्ञान था, चार बार 24 गज अंगुलेष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है, अब क्या चूको चौहान। भाई साहब, इतनी बार मैंने आप लोगों को मना किया था, अभी रुक जाओ, लमसम थोड़ा सा रुक रुक के करना है, 5% 10% रखना है। मार्केट में ऐसे सिंडियो जरूर आते हैं कि जब उस समय आप हाथ मलते रह जाओगे, जब आपको मौका आएगा तब आप सोचोगे काश अगर मैंने जुगानी भैया की बात मानी होती तो। अगर जिस जिसने बात मानी है तो आज उनके पास मौका है, यस डेफिनेट है। अगर 24,000 देखो 300 के आसपास आपकी निफ्टी आ चुकी है, जो कि 24,200 पर स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो आपका सीधे 23,800 पर आपकी निफ्टी दिखाई देगी, कोई नहीं रोक सकता है। और तकरीबन 1346.50 पॉइंट के आसपास आपका सेंसेक्स टूट चुका है। उसके बाद में स्मॉल कैप मिड कैप का देखो बुरा हाल है, क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो हाल था वो तो था ही था, सबसे मेन है इजराइल पर अटैक होने की चिंता सबको सताए जा रही है। उसके बाद में अगर वहां पर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है तो पूरी पूरी अरब कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी, नाटो भी इन्वॉल्व होगी, वो बात की बात हो गई। लेकिन मार्केट अगर क्रैश होती है तो आपने क्या करना है, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड के टाइम पर मैं चूक गया था, उस समय मैं चूक गया था भाई मेरे, चूक क्या गया था, उस दिन जिस दिन पीक की गिरावट थी उस दिन मैंने कुछ भी नहीं करा था, मैंने जा करके मई 2020 के बाद में कुछ भी स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो मेरे लिए एक लेसन था और मैं नहीं चाहता हूं मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स कल को ये बोले कि मैं चूक गया था। जिसकी जो भी सामर्थ्य है थोड़ा थोड़ा उसके हिसाब से, डरने की जरूरत नहीं है, डर करके रिडीम करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, डर करके रिडीम करने की जरूरत नहीं है। अभी ये समय है, जो आपके पास है उसको थोड़ा बहुत लमसम करना, पार्ट पार्ट में ही लमसम करिएगा, क्योंकि किसी को भी क्लियर नहीं होता है कि मार्केट कहां पर जाकर के बॉटम लेगी ऐसे सिनेरियो में। तो हमें जैसे जैसे अगर मान ले डिप मिलता है तो हम आगे अपने पेस को बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद में जब बॉटम से मार्केट रिवर्स लेगी तब हम उस समय भी, जैसा कि बोलते हैं ना कि भैया हो जीते पर भी खाना मरते पर भी खाना, वो वाली एक कहावत है, इसको देसी कहावत है, इसको आप लेना। तो जो होशियार आदमी होता है वो यही करता है, बच्चे के बर्थ में भी सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ पर, और उसके बाद में एक डेथ एनिवर्सरी पर भी सेलिब्रेशन होता है। बात को समझिएगा, मैं मार्केट के लिहाज से बोल रहा हूँ, इसको किसी अदरवाइज में नहीं लीजिएगा। तो मेन बात क्या होती है, जब हाई राइज होता है तो आपको एसआईपी के सहारे के लिए बोला जाता है, जब आपकी मार्केट डिप में जाती है, गिरावट में जाती है, तो आपको लमसम का सहारा दिया जाता है। इसीलिए आपको मैं बार बार चिल्ला करके एसटीपी का सहारा बोलता था, इसका सहारा बोलता था। अभी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, अगर ये समझ में आ रही है तो यस डेफिनेट है, जैसे थोड़ा सा 11-12 बजे तक का इंतजार करो किस हिसाब से गिरावट होती है, लेकिन इतनी गिरावट सफिशियंट है कुछ ना कुछ लमसम करने का, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी, आज के दिन भी अच्छी खासी गिरावट है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, जब ओवरऑल मार्केट में गिरावट हो तभी जा करके आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन दिखता है, हर सेक्टर डाउन दिखेगा, हर इंडाइसेस डाउन दिखेगा। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो कब ग्रैब करेंगे? ऐसे समय पर बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, ऐसे समय पर हमने डरना नहीं है। यहां पर आपके ऊपर एक फैक्टर हावी होगा जो सबके ऊपर हावी होता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, उसको बोलते हैं फड, FUD। इसका फुल फॉर्म होता है फियर एंड अनसर्टेनिटी डाउट। इस समय डर लगेगा, अनिश्चितता का माहौल होगा,
संदेह है आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके दिल पर हावी होगा, दिलो दिमाग पर हावी होगा, मन मस्तिष्क पर हावी होगा, उस पर आपने काबू पाना है और कुछ न कुछ अपने सारे खर्चों को रोक करके, जो भी लाइफ बिजनेस है, अगर जिसकी सुई दवाई चल रही है उसको छोड़ करके, बाकी लाइफ बिजनेस को छोड़ करके अभी आपका टाइम है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, आपकी मार्केट फिर अप होगी तो आपको सूद ब्याज समेत वो रिटर्न करेगी, क्योंकि बोलते हैं स्प्रिंग में जितना उसको टेंशन दी जाती है उतना ही उसमें रिक्वायर करने की कैपेसिटी होती है, उतना ही उसके अंदर एक स्टैटिक एनर्जी, 2 एनर्जी आप लोगों ने सुनी होगी मेरे ख्याल से जो साइंस के स्टूडेंट हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी। तो जब आप किसी स्प्रिंग को स्टोर करते हो, जब आपकी मार्केट कंप्रेस होती है तो वहां पर एक स्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे ही वो फ्रीडम पाती है उतनी ही तेजी से वो रिक्वायर करेगी। तो उम्मीद करता हूं बात को, इस क्विक अपडेट को आप समझ गए होंगे, इस प्रकार के मैं अपडेट्स आपको देता रहूंगा, लेकिन पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करना है, एक साथ अपने हाथ को खाली नहीं करना है, यही मेरी सलाह है। इसके साथ ही मैं अभी इसको क्लोज करता हूं। भैया मेरे देखो, मैंने बोला था मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा, यस, जब तक मेरी सामर्थ्य है मैं आप लोगों को जैसे जैसे सिचुएशन आएगी उसी प्रकार से जो मैंने झेला है, जो मैंने सीखा है, जहां पे मैंने झटके खाए हैं, जहां पे मैंने प्रॉफिट कमाए हैं, वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें, दोस्तों मेरे और भी लाभान्वित हो सकें। मेरी मन और मनसा पर कोई भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर करना है, ताकि अगर वो लोग भी निवेशित हैं तो कम से कम वो लोग भी कम से कम उस चीज से डरे नहीं और इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं इस नेकी के काम में आप लोग हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच।